हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया NI। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रामकिशन यादव से बाबा रामदेव बनने तक की कहानी। क्या है उनके जीवन से कई जुड़ी सारी बातें जो आप नहीं जानते। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़, हजारीबाग, सैयद अरीपुर गांव में साल 1965 में रामनिवास यादव और गुलाबो देवी के घर बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया रामकिशन यादव। रामकिशन कक्षा 5 के बाद शाहबाजपुर के सरकारी स्कूल में चला गया। 8.25 साल का रामकिशन एक रोज स्कूल से लौट रहा था, अचानक से गिर गया और छटपटाने लगा। दोस्तों को लगा इसका शरीर अकड़ क्यों गया है, कहीं इसके ऊपर तो सवार नहीं हो गए भूत प्रेत का साया। जब रामकिशन को सरकारी अस्पताल ले गए तो पता चला कि उसे लकवा मार चुका है। उसका बायां हिस्सा शरीर खराब हो चुका है, अब वो जिंदगी भर विकलांग की श्रेणी में गिना जाएगा। मगर रामकिशन ने हार नहीं मानी। खेल का मैदान छूटा तो हाथों में किताब लग गई और यहीं पर उन्हें एक योग की किताब मिली, जिसके मदद से बाबा रामदेव ने योग करना शुरू किया और देखते ही देखते उनका पूरा शरीर सही हो गया। अब सिर्फ उनके बाईं आँख में दृष्टि नहीं है, बाकी सब सामान्य से ज़्यादा स्वस्थ और अच्छे हैं। इसके बाद उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, पिता को बताए बिना खानपुर के गुरुकुल में दाखिला ले लिया। यहीं पर उनकी मुलाकात बालकृष्ण से हुई। बालकृष्ण इस गुरुकुल में संस्कृत का अध्ययन करने आए थे, लेकिन बालकृष्ण और रामकिशन के नए दोस्त की ज़्यादा दिलचस्पी जड़ी बूटियों में थी और रामदेव की दिलचस्पी योग के अलावा अध्ययन के सवालों में थी। इन्हीं सवालों के जवाबों में वो जिन जिले के आश्रम कलवा आश्रम में चले गए। कलवा के इस आश्रम में रामकिशन को अपना नाम मिला। दरअसल उनके गुरु दूसरे गुरु आचार्य बालदेव ने कहा, राम और कृष्ण इस देश के दो प्रतीक पुरुष तो हैं, लेकिन दोनों की वृत्ति और प्रवृत्ति में नितांत फर्क है, तुम्हें एक चुनना चाहिए। रामकिशन को राम का मर्यादा पुरुषोत्तम वाला रूप ज़्यादा भावनाप्रद लगा और इसलिए उन्होंने चुना राम। आचार्य ने इसमें देव जोड़ दिया। इस प्रकार रामनिवास यादव का बेटा रामकिशन यादव बन गया रामदेव। मगर कुछ ही वर्ष बाद रामदेव इस गुरुकुल से भी उचट गए और हिमालय में गंगोत्री के पास अपना हिस्से का सत्य तलाशने चले गए। 1993 में रामदेव हिमालय से नीचे उतरे और हरिद्वार चले गए। यहाँ पर उन्होंने योग सिखाने की शुरुआत की। पहले दो स्थानीय कारोबारियों को सिखाए। उनके गुजरात के मित्र को इसके बारे में पता चला, रामदेव को गुजरात ले गए और फिर नज़र पड़ी एक हीरा कारोबार की और उसने बड़े स्तर पर रामदेव का शीघ्र आयोजित किया, जिसमें पहली मर्तबा 2000 से ज़्यादा लोगों ने रामदेव के कमाल को देखा। कमाल जिसे पूरा देश आज अलोम विलोम और कपाल भाति के नाम से जानता है। कमाल जिसके दम पर रामदेव एक बहुत बड़ा टीवी ब्रांड बन गए। FMSG की एक ऐसी कंपनी आयुर्वेद खड़ी हो गई जिसने हिंदुस्तान की यूनिलीवर, नेस्ले और डाबर जैसी कई स्थापित प्लेयरों की पूरी इकोनॉमी रणनीति को ध्वस्त कर दिया। एक कंपनी जो 10,000 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर लिए हुए हैं। एक इकलौती कंपनी जो हर बरस 100% से ज़्यादा ग्रोथ रेट हासिल कर रही है। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहा। सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे बाबा रामदेव और बालकृष्ण एक बड़े हिस्से में तब्दील हो गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।